डायबिटीज होने पर कौन सा अनाज खाना चाहिए, किस मौसम में किस अनाज की क्या उपयोगिता। देखिए, जब आप गर्मियों के दिनों की बात करते हैं तो वहाँ आपको बाजरा, चना, रागी, मक्का, इस तरह के जो गर्म प्रकृति के अनाज है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मियों में पित्त की प्रकृति बढ़ जाती है और हमारी जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है। आपको रस नुमा जो चीज़ें हैं उनका जूस पीने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो आपको शीतल प्रकृति का अनाज लेना है, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, ये शीतल होते हैं, पौष्टिक होते हैं और डायबिटीज़ में बहुत लाभकारी होते हैं। अब बात आती है ग्लूटन फ्री अनाज की। देखिए, जिस आटे को आप ज़्यादा बारीक पीस देते हैं उसमें पानी जैसे ही मिक्स करेंगे, आप आटा गूंथेंगे, उसमें ग्लूटन उत्पन्न हो जाता है। तो आपको थोड़ा मोटे साइड में इसको पिसवाना है चक्की में और इसको छानना नहीं है। इसमें जो चोकर की मात्रा होती है उसको आप उसको छाने नहीं, उसको इसी में रहने दें और उसकी आप रोटी खा सकते हैं, इसका आप दलिया भी बना सकते हैं। तो तीनों अनाज ये आपके लिए गर्मियों में डायबिटीज़ के लिए भी बहुत लाभकारी और अन्य दूसरे रोगों में भी ये बहुत लाभ करते हैं।